कि हमारे बीच में समाज में जो एक बात है कि ये जाटव ये वाल्मीकि, क्योंकि वाल्मीकि समाज और जाटव समाज आपस में एक नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, क्योंकि आपस में इनके विचार पता नहीं किस वजह से जो है आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते। मैं गुजारिश करूँगा मंत्री महोदय से कि आज जो आपने उठाई ये सब संस्थाओं की, मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, उस नाते से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वाल्मीकि समाज में एक ऐसा विश्वास पैदा करें जिससे कि वाल्मीकि समाज अपने आप को अलग ना समझे और सब लोग मिलकर के एक साथ काम करें, क्योंकि जाटव समाज में शिक्षा का प्रसार अधिक होने के कारण उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो कुछ चीज़ों को काफ़ी हद तक समझता है, मगर वाल्मीकि समाज में शिक्षा की कमी के कारण वो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर, क्योंकि हमारा देश धर्म प्रधान जाति प्रधान देश है, इस देश के अंदर जातियों के इतनी कूट कूट का भरी गई है, इस देश में इतने धर्म कूट कूट कर भरे गए हैं कि हम सब लोग एक दूसरे को दूसरा समझते हैं, अपनेपन की भावना हमारे बीच में नहीं आ पाती। तो जिस तरह के सफाई कर्मचारियों के काम हैं, जैसे कि हमारे देश में ये काफ़ी दिनों से लागू है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा में रखा गया है, उनको 6,000 या 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। मैं समझता हूँ कि जो लोग 50,000 में भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, जो लोग अपने बच्चों को अच्छा 50,000 में खाना नहीं खिला पाते, 8,000 या 10,000 को क्या कर पाते होंगे, क्या वो शिक्षा करेंगे, क्या उनको अच्छा पढ़ाएंगे, क्या उनके लिए कपड़ा पहनाएंगे, क्या रहने की व्यवस्था कर सकेंगे। मेरी गुजारिश है मंत्री महोदय जी कि कुछ काम वाल्मीकि समाज के जिस तरह से इनका ये शोषण हो रहा है उसके प्रति आप थोड़ा सा वफादारी के साथ काम करें, जिससे कि उनका भरोसा आप पर हो और उनके मन में ये बात पैदा हो कि वास्तव में कुछ ऐसे भी लोग हैं इस देश के अंदर जिनके अंदर जातिवाद नहीं है, जो समाज को सबको समान लेकर के चलते हैं, जो सबके लिए काम करना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था आप करें। मुझे विश्वास है आपके ऊपर, जिस तरह से आपने काम किया है, जो काम आपने अभी किया है, मुझे गर्व है आप पर। ना तो इस देश में कोई सरकार कर पाई, ना इस देश में दिल्ली में किसी मंत्री ने आज तक ये घोषणा की कि मैंने समाज के प्रति ये काम करने लागू कर दिए, ये मुझे इस बात की खुशी है भाई। आप मुझे विश्वास किया पर कि आप इन दोनों समाजों में, जो दलित समाज के लोग, जो गरीब समाज के, ऐसे सहस्त्र समाज के लोग हैं, जो हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं, उनमें आप एक ऐसी भावना पैदा करेंगे कि वो सब इकट्ठे होकर के काम करें और आपके साथ भी चलें, समाज के साथ भी चलें, और अपने जो गरीब तबके लोग हैं उनको एक काम करने का मौका दें। धन्यवाद सर।